बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बना सकते हैं स्पाई कैमरा, जो बहुत सारे गेम में यूज़ होता है आपका फॉलो करने के, कैमरा फॉलो करने के लिए, और वो स्विच हो जाता है थर्ड पर्सन से स्पाई कैमरा में। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें, और ये जैसे ही ये कोलाइट करता है तो ये ऐसा रेजिडेंट ईविल टाइप में वो कैमरा स्विच हो जाता है, या कोई आप रूम में जाते हैं तो वो स्विच हो सकता है। और बाद में अगर आप फिर से वही जगह पे जाएंगे तो फिर बाद में ये आपका फिर से थर्ड पर्सन में स्विच हो जाएगा। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कैसे बना सकते हैं, तो लेट्स गो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैंने जो सेटअप किया था इसको डिलीट कर देते हैं, ट्रिगर बॉक्स तो डिलीट हो गया हमारा, और एक कैमरा भी डिलीट कर देते हैं। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी कैमरा सर्च करना है, यहाँ से आपको कैमरा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इधर छोटी सी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कैमरा का एंगल्स और कैसे आपके कैमरे से दिखेंगे। तो आपको जैसे कंफर्टेबल है तो वैसे आप ये कैमरा को सेट कर सकते हैं। मैं इसको ऊपर में सेट करूँगा कॉर्नर पे, जैसा बाकी सारे गेम में होता है, तो वैसे ही मैं यहाँ पर सेट करूँगा। और इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, बस ये हमारा हो गया। और फिर हमको एक ट्रिगर बॉक्स चाहिए जहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ट्रिगर बॉक्स को हम लोग का काम क्या आएगा कि ट्रिगर करने में, कि अगर प्लेयर उससे कोलाइड होएगा तो फिर बाद में वो कैमरा स्विच होएगा। तो आपको इसको सेंटर में रखना है और इसको आपको पूरा उसके साइज़ में रखना है, जितने में आपको प्लेयर को कोलाइड कराना है और जितने रूम है आपका जितना बड़ा तो उतने बड़े में आपको करना है। मैं पूरे रूम का कर लेता हूँ कि जैसे ही इसमें कोलाइड होगा तो कैमरा का व्यू आ जाएगा। तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ कि अगर जंप करेगा तो तब भी कैमरा के व्यू से नहीं जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो हमको क्या करना है, जो हमारा कैमरा था, कैमरा एक्टर ये वाला, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको मैंने जो कोड लिखा था उसको डिलीट कर देते हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। और ये जो कैमरा एक्टर है इसको इसके अंदर डालना है और बस इसको यहाँ तक कर देना है। और फिर आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने ट्रिगर बॉक्स था उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाकर करना है, यहाँ पे लिखना है बिंग ओवरलैप, ये करना है बिंग ओवरलैप एक्टर। और हमको दूसरा करना है एंड ओवरलैप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड ओवरलैप। बिंग ओवरलैप मतलब ओवरलैप हो रहा है उसके, और एंड ओवरलैप मतलब कि ओवरलैप अब नहीं हो रहा। तो हमको सिंपली क्या करना है, कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर का नाम है, जैसे आपने कुछ भी रखा है ब्लूप्रिंट में कोई कैरेक्टर होगा तो आपको वैसा रखना है। तो कास्ट टू, इसमें जो सैम्पल प्रोजेक्ट है इसके अंदर थर्ड पर्सन कैरेक्टर नाम है, तो मैं थर्ड पर्सन कैरेक्टर कर दूँगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा थर्ड पर्सन कैरेक्टर, तो ये हो गया हमारा। तो इसको हम लोग को करना है कि अदर एक्टर पे आपको जाके इसको सिलेक्ट करना है और इसको सेम इसमें करना है, सेम हम इसमें कर देते हैं। हाँ, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक करना है गेट प्लेयर कंट्रोलर। तो आपको इधर क्या करना है कि सेट व्यू टारगेट विथ ब्लेंड करना है, और इसको आपको इसके अंदर मतलब कि इसको एरो को इसमें मैच कर देना है, और इसको आपको खाली रखना है। और जो ये आपका कैमरा का एक्टर है, मतलब हमको इसको ट्रिगर करना है, तो इसको हम ट्रिगर कर सकते हैं और इसको सिंपली इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको फिर से यहाँ पे कर देंगे और इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे और ये जो प्लेयर कंट्रोलर है इसको यहाँ पे टिक कर लेंगे। और फिर हमको क्या करना है, कस्टम इवेंट बनाना है। कस्टम इवेंट बना लेते हैं यहाँ पे, तो इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, ROT कर देते हैं, ROT कैम मतलब रोटेशन कैमरा। तो आप हम लोग इसको कर लिए। और फिर हमको क्या करना है, ये जो हम लोग ने खाली छोड़ा था इसको हम लोग यहाँ पे आके ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेट एक्टर लोकेशन। तो हमको फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको हर चीज़ दो चाहिए, हमको एक को एंड करना है
एक को स्टार्ट करना है और दूसरे को एंड करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कर लिया, ये हो गया। और इसको हम लोग ऊपर कर लेते, इसको नीचे कर लेते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लुक फाइंड लुक एट रोटेशन। तो आपको फाइंड लुक एंड रोटेशन करना है और फिर इसको स्टार्ट में रखना है और इसको टारगेट पे रखना है, ट्री। और क्या करना है कि जो कस्टम यहाँ पे है, यहाँ पे आपने करना है सेट, सॉरी यहाँ पे आपको करना है सेट एक्टर रोटेशन, सेट एक्टर रोटेशन। तो ये हमारा सेट एक्टर रोटेशन आ गया और यहाँ पे आपको पिन कर देना है। और ये जो आपका रिटर्न वैल्यू है इसको न्यू रोटेशन से कर देना है। तो इससे होगा क्या, ये वो प्लेयर के साइड देखने लगेगा और उसके टाइम रोटेट करेगा और मूव नहीं करेगा, खाली रोटेट करेगा कैमरा के टाइप। और यहाँ पे आपको क्या करना है, डीले डालना है। और हम इसको ज़्यादा डीले नहीं डालेंगे, 0.005 का डीले डालेंगे। और फिर बाद में हम लोग ये जो हमारा रोट कैम कमांड है इसको हम लोग फिर से कॉल करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग रखेंगे रोट कैम लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉल फंक्शन, तो हम लोग इसको कॉल कर लेंगे। तो हमको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ तो रहेगा, हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, हम कैन रोटेट कैम। मैं इसको पिछले वाला डिलीट कर देता हूँ। तो हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सेट कर देंगे इधर। और जब भी प्लेयर यहाँ से कोलाइड होगा, मतलब प्लेयर बॉक्स से कोलाइड होगा, तो हमको इसको ट्रू कर देना है। और फिर बाद में हम लोग को हमारा रोटेशन कैमरा को ऑन करना है। तो हम लोग कमांड को कॉल करते थे रोट कैम को, तो ये ऑन हो जाएगा हमारा। और फिर यहाँ पे हम लोग फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन जब वो यहाँ से एंड ओवर लैप होगा तब हम लोग को यहाँ पे इसको फॉल्स कर देना है। तो अब हमको यहाँ पे ब्रांच बनाना पड़ेगा कि जब ट्रू एंड फॉल्स होगा तब इसको ऑन ऑफ करना है, इसको स्विच एंड ऑफ करते हैं। स्विच बुलियन में क्या होता है, ऑन एंड ऑफ होता है ट्रू एंड फॉल्स, तो हमको उसके लिए ब्रांच यूज़ करना होता है। तो ब्रांच हम लोग ने लिया, तो यहाँ पे जो बुलियन हम लोग ने डाला था इसको यहाँ पे गेट कर लेंगे। गेट बुलियन को कैन नॉट मतलब कैन रोट कैम मतलब कि कर सकता है कि नहीं, तो यही अगर ये ट्रू होएगा तो ये ट्रू हो जाएगा तब ये पास हो जाएगा, और ये फॉल्स रहेगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा तो इधर ही रोक लेगा, तो ये ट्रू एंड फॉल्स नहीं होगा तो ये फॉल्स में जाएगा। तो फॉल्स में तो हम लोग ने कोई करेक्ट नहीं किया तो ये नहीं जाएगा, और जब ट्रू होगा तब ये ट्रू यहाँ से डायरेक्ट ट्रू होके पास होगा और ये रोटेट होने लग जाएगा। तो देखते हैं, हम लोग ट्रू कर दिया हम लोग ने, और ये हमारा प्लेयर है उससे कोलाइड हुआ तो अच्छी तरह से एकदम कैमरा जा रहा है, आप देख सकते हैं। और एक और छोटा सा टिप है, ये कैमरा है, आप यहाँ पे जाकर लेंस में जाकर ब्लूम में जाकर इसको इसका इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, इसका इंटेंसिटी पूरा फुल कर देना, और इसको आपको पूरा ज़ीरो रखना है। और इससे क्या होगा कि आपके कैमरे में आपका कैमरा जो है वो एक कैमरा टाइप लगेगा, वो थोड़ा डिफरेंट होएगा। और यहाँ पे आप बहुत सारे चीज़ें ट्विक कर सकते हैं, ये सब आप अलग अलग टाइप के ट्विक करके आप अच्छा सा एक कैमरा का आप जैसे ही ये जा रहे हैं तो कैमरा चेंज हो रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ ये कैमरा है लग रहा है, नहीं तो अगर वो सेम कैमरा होता तो अलग ही लगता हमारा। तो हो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो और या ना अच्छी लगी हो तभी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।